नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनु शर्मा और हेनशेफ के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आइसक्रीम मशीन के बारे में, जिसको कुछ लोग चर्नर, आइसक्रीम चर्नर भी बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आइसक्रीम चर्नर काम कैसे करता है। आइसक्रीम चर्नर के सबसे दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, एक होता है बीटर और दूसरा होता है आपका फ्रीजिंग सिलेंडर। फ्रीजिंग सिलेंडर का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और आपका बीटर जो है ये फ्रीजिंग सिलेंडर के अंदर रहकर लगातार घूमता रहता है। लगातार घूमने की वजह से यह आइसक्रीम के अंदर हवा की मात्रा को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपके रॉ मटेरियल में फुलावट आती है। 2 से 2.5 लीटर रॉ मटेरियल डालने के बाद, उसमें हवा ऐड होने के बाद आपकी 4 से 5 लीटर आइसक्रीम बाहर आती है। अब हम आपको इसके अंदर रॉ मटेरियल डालकर दिखाएंगे कि रॉ मटेरियल डालने के बाद आपकी 2 लीटर से 4 लीटर आइसक्रीम कैसे बनती है। 2 लीटर रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगभग 70 से 80 रुपये पड़ती है, अगर आप इसको मिल्क पाउडर से बनाएंगे तो। और अगर आप इसको कोई भी अमूल या मदर डेयरी का दूध यूज़ करने पे आप अगर वो 2 लीटर दूध यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी लगभग 120 से 130 रुपये के आसपास। अब हम आपको यह चर्नर आइसक्रीम मशीन में डालकर बताएंगे कि यह काम कैसे करती है। इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से डालना है ताकि ये गिरे नहीं और बाहर नहीं आए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पूरा का पूरा रॉ मटेरियल हमारी चर्नर आइसक्रीम मशीन में डाल रही हूँ और ये मैंने पूरा रॉ मटेरियल इसके अंदर डाल दिया। अब हम इस मशीन को चलाकर दिखाएंगे। इस स्विच को ऑन करने से आपका बीटर चालू हो जाएगा। अब हम 4 से 5 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद हम आपको आइसक्रीम निकाल कर दिखाएंगे कि कैसे 2 लीटर से 4 लीटर आइसक्रीम बनती है। जैसा कि अब हम देख सकते हैं, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बनने वाली ही है। अब हम आपको निकाल कर दिखाएंगे कि हमारी आइसक्रीम कितनी बनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 लीटर रॉ मटेरियल डालने के बाद अब हमारी लगभग 4 से 4.5 लीटर आइसक्रीम तैयार है। और हमने ये बनाई है वनीला फ्लेवर आइसक्रीम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कुछ घंटों के लिए डीप फ्रीज़र में रखेंगे। डीप फ्रीज़र की सहायता से ये आइसक्रीम सेट हो जाएगी। आप इसको किसी ब्रिक या बर्तन में डालकर रख सकते हैं। इसी तरह के इक्विपमेंट्स की जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।